कोरोना का संक्रमण अब मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल में फैलना शुरू हो चुका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह से मैं अस्पताल में भर्ती हूं और स्वस्थ हूं। मिल रही ताजा जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनके कर्मचारियों की कोविड-19 रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रधान ने खुद क्वारंटाइन कर लिया था। अब जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र जी, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें, यही प्रभु से कामना है। बता दें कि इससे पहले रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज भी मेदांता अस्पताल में चल रहा है। तब शाह ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 674 नए मामले आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,39,156 तक पहुंच गया है, जबकि 12 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 4,033 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और देश में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या करीब 18.5 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोविड-19 मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। ये 2.10% पर आ गई है, जो पहले लॉकडाउन के बाद से सबसे कम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 से मरने वालों की करीब 50% लोगों की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है। भारत में कोविड-19 के 12.5 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जो इस समय उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या के मुकाबले दुगनी है। मंत्रालय ने बताया कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर 140 से अधिक नमूनों की कोविड-19 जांच कर रहे हैं। भारत कोविड-19 मरीजों का पता लगाने के लिए रोजाना प्रति 10 लाख आबादी पर 479 नमूनों की जांच कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।